फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं गाठिया पापड़ी बना रहे हैं, और एक ही डो से गाठिया भी बनाएंगे और पापड़ी भी बनाएंगे, और वो भी इतने क्रंची और इतने टेस्टी दोनों बनकर तैयार हो जाएंगे। और आप देख सकते हो कि पापड़ी कितनी क्रंची बनी है, जरा सा दबा रहे हैं तो बिल्कुल टूट जा रही है। यहाँ पे हमारा गाठिया बनकर तैयार हो चुके हैं, और हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, जब तक उसमें से बबूल जाना ख़त्म हो जाए तब पकाना है। ये अभी इतने रेड नहीं होंगे, अभी येलो दिख रहे हैं, लेकिन जब ये ठंडे हो जाएंगे तो एकदम रेड हो जाएंगे। फिर हमें उसी संचय में से गाठिया की जारी चेंज करके पापड़ी की जारी ऐड करके उसमें वापस से आटा ऐड करना है, और फिर हमें ये पापड़ी बनानी है। और इसे भी उसी प्रोसेस से बनाते हैं जैसे हम गाठिया बनाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे गाठिया पापड़ी बनकर तैयार हो चुके हैं, और एक ही आटे से हम गाठिया और पापड़ी दोनों बना सकते हैं, और एकदम क्रंची बने हैं, और एकदम जरा सा दबा रहे हैं तो ये एकदम टूट जा रहे हैं। और मानसून का मौसम चल रहा है तो ये खाने के लिए बहुत अच्छे हैं और बहुत टेस्टी बने हैं।